हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जोहार। नमस्ते, जय श्री कृष्ण आप सभी को। आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हैं। देख सकते हैं हमारे यहाँ नाश्ता बन रहा है, पकौड़े। सुबह का है ये, आप सबको पता है ना फ्रेंड्स, हमारे घर में गेस्ट चल रहा है अभी। तो अभी दो तीन व्लॉग पे आप सब गेस्ट सबको देख रहे हो। गेस्ट मतलब बाहर के कोई नहीं है, हमारे घर के अपने ही हैं, मेरे अपने ही घर से आए हुए हैं। लेकिन क्या बोलूँ इनको, गेस्ट ही तो हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं और हम चले जाएंगे, गेस्ट ही हुए ना, इसलिए गेस्ट बोल रही हूँ, वरना अपने ही हैं सब। और यहाँ पे हम सब नाश्ता कर रहे थे। सच में गाइस, कोई आता है ना घर से या फिर कहीं से भी, तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लल्ला चले गए हैं, लल्ला जब गए ना तो बहुत सुना लग रहा था, क्योंकि दोनों बच्चे काफ़ी खेल रहे थे, बड़े मज़े कर रहे थे, डांस सॉन्ग और बड़ा मस्त। मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था। मन करता है कि एक हफ्ते रह जाते ना तो मेरा मन भर जाता, लेकिन एक हफ्ते क्या, एक दिन दो दिन भी नहीं रहे, एक ही दिन रहे, एक दिन और एक रात रहे, बस चले गए। मेरा बेटा अजूबा बच्चा है फ्रेंड्स, वो रोता ही नहीं है। कोई भी आता है ना मेरा बेटा, उसके साथ बहुत अच्छे से खेलता है, लेकिन जब जाते हैं ना तो रोता नहीं है। वही एक चीज़ अच्छी लगती है इसकी, और अगर रोने लग जाए ना कि नहीं जाओ, नहीं जाने दूंगा, तब बड़ी दिक्कत हो जाती। मेरा बेटा रोए ना, इसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं भाई, सब कुछ सहते हैं। कुछ गलत हरकतें भी करता है ना कई सारे, तो भी हम कुछ नहीं बोलते उसको, बस वो रोए मत, क्योंकि बच्चे जब रोते हैं ना तो बड़ा ख़राब लगता है। इतने भी मना के देखते हैं और नहीं मानता है तो इट्स ओके, क्या कर सकते हैं, छोटा बच्चा है, बोल के माफ़ कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप सब भी वीडियो को फुल इन्जॉय कीजिए, पूरी व्लॉग जरूर देखिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ पूरी व्लॉग जरूर देखिएगा। ये जो रोटी बना रही है ना, मैं इनको रेडी कर रही हूँ, ये घर जाने वाले हैं अभी, अभी ये लोग भी निकल जाएंगे फ्रेंड्स, उसके बाद सुना फिर हो जाएगा हमारा घर पहले की तरह। और क्या कर सकते हैं, इनको हमेशा के लिए रोक भी तो नहीं सकते ना, घर भी जाना ज़रूरी होता है। तो आप सभी वीडियो पे बने रहिए, फॉलो ज़रूर कीजिए। हाँ। आप एवरीवन, घर वाले चले गए फ्रेंड्स, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी, बहुत सुना लग रहा है। आज अभी दोपहर में छोड़ने को गए थे और मैं दोपहर के बाद में, माँ ने बोला था कुछ अपने लिए बना के खा लेना, अकेली हूँ ना, बाबू भी चला गया। बाबू को लेके जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो सो जाता है, ऊपर से इतनी धूप थी। 12 बजे निकले हैं यहाँ से, 1-2-3 बजे पहुँचेंगे, फिर उसके बाद वापस भी आना है, शाम तक रात तक आ जाएंगे वैसे। लेकिन सबसे पहले लल्ला गए और फिर ये लोग चले गए,
बहुत सोना लग रहा है, पूरा घर बहुत सोना सोना लग रहा है। मैं चाहती रहती हूँ हमारे साथ हमेशा के लिए कोई कोई रहे, बट हमारी फैमिली इतनी बड़ी होने के बावजूद भी किसी के साथ कोई नहीं रहना पसंद करता। सभी को अपना अपना प्राइवेसी चाहिए, पर मुझे कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए साथ, किसी का साथ चाहिए जो यहाँ के रहे। और यार मेरा बेटा तो ऐसी बदमाश है, हमेशा कोई भी आता है तो उसको भागो भागो, बच्चा है ना उसको समझ थोड़ी ना। लेकिन मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है मेरे बेटे से, मेरे बेटे की बातों से, तो फिर क्या बोलूँगी मैं, क्या कर सकती हूँ, किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं बुला सकती ना। तो जिसको आना है वो आ जाए, और बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत मज़े करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। लल्ला सब थे तो कितना मज़ा आ रहा था, कल डांस कर रहे थे और बहुत मज़ा आया था, म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, और सब कहीं रहते हैं फैमिली। तो पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब मिल रहे हैं, होली में आई थिंक सब कोई फिर से एक साथ मिलेंगे, अभी गाँव में बहुत मज़ा आने वाला है। और इनके जाने के बाद ना माँ बोली थी कुछ बना के खा लेना, लेकिन मुझे खुद अकेले अपने लिए खाना नहीं बनाना अच्छा लगता। आप सब कभी अपने घर पे अकेले रहे हो क्या, और रहे हो भी तो क्या क्या बना के खाते थे? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कुछ बना के खाना अपने लिए। हाँ मैं खाई थी, मैं क्या क्या खाई थी बताती हूँ। मैं एक पैकेट बिस्किट खाई थी, चाय बनाया था मैंने, और मंजू जो नीचे वाले हैं ना हमारे नेबर्स, उनके यहाँ एनिवर्सरी है आज, तो उनके लिए बहुत सारी गुड विशेस, बहुत सारी दोनों के लिए। मच्छर की भी इधर उधर गुनगुना रहे भाई, बहुत सारी आप सबकी तरफ से भी मैं दे दूँगी उनको, बहुत सारी आप सबकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी उनको बहुत सारी गुड विशेस। उन्होंने मुझे भिजवाया था, एक स्वीट था, कुछ मिक्सचर थे, दो बिस्किट थे, मतलब अपना सेलिब्रेशन में जो भी उन्होंने सब कुछ भेजा था, अपने घर पे भेजते हैं ना, हमारे इधर तो ऐसे भेजते हैं भाई, कुछ कुछ चीज़ें भेजते हैं एक दूसरे को, तो वैसे भेजे थे मुझे। वो बचा हुआ था तो वो खाया मैंने, एक पैकेट बिस्किट खाई, चाय पिया एक गिलास चाय पी, और हाँ कुछ सुबह में जो नाश्ता बनाया था ना पकौड़े, वो कुछ बचे थे तो उसको खाई। तो इतना सब कुछ खाने के बाद किसको भूख लगेगी, किसका पेट नहीं भरेगा, भर जाएगा ना, मैं भर गया। और फिर मैं खाना वाना नहीं बनाई, अभी वो आएंगे, देन हम डिनर साथ में करने वाले हैं। और डिनर क्या बनेगी, रोटियां ही बनेंगी और क्या बनेंगी, रोटी चटनी, रोटी सब्जी, रोटी दूध, रोटी चाय, रोटी कॉफ़ी, कुछ भी बन सकता है, रोटी विथ रोटी ही बनेगी, बट कुछ भी बनेगी विथ रोटी ही बनेगी। और मैं बस आने का वेट कर रही हूँ फ्रेंड्स। और हाँ आप सबको एक चीज़ बोलने वाली हूँ, मैं आप सबसे बहुत सारी हेयर स्टाइल शेयर करने वाले हूँ। हेयर वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक प्लीज़ करके जाया करो यार। मैं कितने बार समझाऊँ आपको, लाइक क्यों नहीं करते वीडियो की, इतनी बुरी वीडियो बनाती हूँ मैं अपना सारा मेहनत दे देती हूँ, अपना सारा पूरी पूरी न्यूछावर हो गई हूँ मैं अपने चैनल पर, न्यूछावर हो गई हूँ मैं अपने चैनल के लिए, सबको दिखाई क्यों नहीं देता यार। गाइस आप सब प्लीज़ सपोर्ट करें, बहुत सारा सपोर्ट करें, आप सबकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब किए हो ना तो लाइक भी वीडियो को कर दिया करें, और बहुत सारा सपोर्ट करें। मुझे कमेंट आ रहे थे कि हेयर स्टाइल कुछ शेयर करो, आपकी वीडियो अच्छी लगती है, तो थैंक यू सो मच आप सब ऐसे मुझे कमेंट करते हो, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए फ्रेंड्स, बहुत सारा। आप बड़े हो ना मुझसे तो आप सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, और अगर आप मुझसे छोटे हैं ना तो आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा, बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार। तो ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, लाइक्स शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब और बहुत सारे सपोर्ट के जरिए वैसे बना के रखें। आपके रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बना बना के देते जाऊंगी। मेरी सासू माता श्री हेयर ऑयलिंग करी थी तो मैंने चोटी बनाया है, और ऐसे ही नहीं अलग अलग हेयर स्टाइल आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। मुझे भी बहुत साल हो गए हेयर स्टाइल किए हुए, मैं बस जूड़ा ही बनाती थी यार। मैं जूड़ा किसी वक्त कुछ बनाया ही नहीं, बस कहीं जाती थी जूड़ा बना लिया, लेकिन ये तो गलत बात है ना, हमेशा जूड़ा या फिर खुले बाल या फिर जूड़ा, क्या लाइफ हो गई है। हेयर है भाई इतने लंबे, हेयर स्टाइल करके जाएं हम कहीं पर, है ना अच्छा है ना। तो मैं करूँगी और आप सबको शेयर भी करूँगी, तो फिर आप सभी वीडियो पर बने रहिएगा। और हाँ
वीडियो यहीं पे एंड कर दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलूंगी आप सबको हेयर स्टाइल के साथ में, बहुत सारी चीज़ों के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर दें, कुछ कमेंट भी कर दें। कोई सा भी पार्ट अच्छी लगी होगी, कोई सी भी चीज़ बुरी लगी होगी, कुछ भी चीज़ के लिए आप कमेंट करें, वीडियो के कोई भी पार्ट के लिए आप कमेंट करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं मैंने, तो सारे लिंक पे चेकआउट कीजिएगा, कौन सा लिंक क्या चीज़ का है, कौन सा लिंक क्या चीज़ का है। लेकिन सारे वीडियोज़ के ही हैं, तो आप सब डरिएगा मत, उल्टा पुल्टा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर नहीं देती हूँ, मैं खुद उल्टे पुल्टे लिंक सबसे दूर रहती हूँ। तो आप सब चिंता ना करें, आप मेरे डिस्क्रिप्शन के किसी भी लिंक पर टच करके वहाँ तक पहुँचिए, वहाँ पे वीडियोस आप सबको बहुत सारा मिलेगा। तो सभी वीडियो पे आप सब वॉच कीजिएगा, सभी वीडियो पे विजिट कीजिएगा, वॉच कीजिएगा वीडियोस को। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, बहुत सारा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो पे, आप सभी को जय श्री कृष्णा, बाय।